गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड थर्ड एक्सरसाइज 7.7 यानी फर्स्ट सम में क्या है, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, अरेंज करना है किसके अंदर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, सबसे छोटे क्रम में यानी सबसे पहले छोटी वैल्यू। तो हमें इस फ्रैक्शन में फर्स्ट सम में क्या गिवन है, 5/2 and 2/11 यानी, और उसके बाद में 8/11 और 3/11 यानी हमें क्या देखना है इन सभी वैल्यू में, सभी वैल्यू में हमें देखना है कि हमारे पास में क्या है कि यानी नोमिनेटर और डोमिनेटर हमें देखना है कि डोमिनेटर क्या है, सभी का इक्वल है। नीचे वाले संख्या को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेटर, यानी ये डोमिनेटर सभी में क्या है, इक्वल है। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे यानी इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 5, 2, 8 और 3, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 2। यानी सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास में क्या आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में यानी क्या आएगा, 2/11। उसके बाद में 2 के बाद में कौन सा नंबर आएगा, 3/11। उसके बाद में 3 के बाद में क्या है, 5/11। उसके बाद में 8/11। हमने यहाँ पे क्या देखा, यानी डोमिनेटर सभी का इक्वल है, तो हमें ऊपर वाली वैल्यू देखनी है। ऊपर वैल्यू में सबसे पहले छोटा क्या है, 2 है, फिर उसके बाद में 3 है, फिर क्या है, 5 है, फिर क्या है, 8। यानी ये निशान लगा देंगे क्योंकि 3 और 2 में से कौन सा छोटा है, 2 की तरफ। अब 3 और 5 में से कौन छोटा है, 3। 5 और 8 में कौन छोटा है, 5। यस, इसी प्रकार एक सम और लेते हैं यानी सेकेंड, 7/9, 1/9 और 2/9, 4/9। इसमें से हम क्या देखते हैं, हमारे पास में सभी में पता है नोमिनेटर और जो डोमिनेटर है, जो डोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 9 है, सभी में इक्वल है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है फिर इसमें हमारे पास में असेंडिंग ऑर्डर में नोट करने के लिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में नोट करने के लिए सबसे छोटी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास में, यानी 1/9। उसके बाद में 2/9, उसके बाद में 4/9, फिर क्या है, 7/9। 1 और 2 में से सबसे छोटा क्या है, 1। 2 और 4 में सबसे छोटा क्या है, 2। 4 और 7 में सबसे छोटा क्या है, 4। इस प्रकार से हमें क्या है, ये सम करने हैं। यह थर्ड सम में क्या है, 8/13, 8/9, 8/15, 8/11, 8/17। यानी इसमें हमें क्या देखना है, इसके अंदर हमें देखना है कि जो नोमिनेटर की वैल्यू क्या है, इक्वल है, यहाँ पे डोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो इसमें हमने देखा कि नोमिनेटर की वैल्यू क्या है, 8 है 8 8 8 8। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में नोट करने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर, इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या आ जाएगा, यानी सबसे पहले छोटी वैल्यू क्या है, नीचे वाली देखनी है। अब 8/13 है 8/9 है 8/15 है 8/11 है 8/17, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, यानी 8/9 असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद में सेकंड 8/11, उसके बाद फिर हमारे पास में क्या है, 8/13, फिर उसके बाद में क्या है, 8/15, फिर उसके बाद में क्या है, 8/17। ये क्या है, 11 और 9 में सबसे छोटा क्या है, 9। 13 और 11 में सबसे छोटा क्या है, 11। 15 और 13 में सबसे छोटा क्या है, 13। और इसमें क्या रहेगा हमारे पास में, यानी 15। इस प्रकार उसके बाद में क्या है हमारे पास में, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हमें इस प्रकार करने हैं, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास में डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे हम लेते हैं, यानी 9/ क्या आएगा, 15, 2/15, 8/15 और 1/15।
यानी इसमें भी हमारे पास में डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होएगा, बढ़ते क्रम, यानी अब की बार क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है। सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, डोमिनेटर सभी में इक्वल है, तो हमारे पास में सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमें क्या देखना है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू। बड़ी वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास में क्या है, 9 अपॉन 15। उसके बाद में बड़ी वैल्यू क्या है, 8 अपॉन 15। फिर उसके बाद में क्या है, 2 अपॉन 15। फिर क्या है, 1 अपॉन 15। 9 और 8 में से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 9। 8 और 2 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 8। 2 और 1 में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 2। इस प्रकार उसके बाद में हमारे पास में क्या है, इसी से रिलेटेड यानी थर्ड सम और कर रहे हैं। थर्ड सम में भी हमारे पास में क्या गिवन है, यानी इसी का थर्ड सम क्या है, 8 अपॉन 17। 8 अपॉन 17। दूसरी वैल्यू क्या है, 2 अपॉन 17। 15 अपॉन 17। और उसके बाद में 11 अपॉन 17। यस, इसमें चेकआउट करते हैं, हमारे पास में सभी में क्या है, डोमिनेटर इक्वल है, यानी 17 17 17। तो बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है 15, 15 अपॉन 17। सेकंड क्या है, 11 अपॉन 17। अगली फ्रैक्शन क्या आएगी, 8 अपॉन 17। फिर क्या आएगी, 2 अपॉन 17। हमें क्या चेक करना है, इसका डोमिनेटर चेक करने हैं। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस प्रकार से आपको सभी सम करने हैं।